अस्सलामु अलैकुम क्लास 3 इस्लामिया के लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाजनीन आपके साथ हूँ। बेटा आपको किताब स्क्रीन पर नज़र आ रही है, किताब सलाम अपने सामने रखिए और आप टेस्ट कॉपी निकालिए और आज की का जो है वो टेस्ट इस्लामिया टेस्ट की हेडिंग डालें, डेट डालें आज की। और मैंने आपको टेस्ट दिया था नमाज और तरीक़ा नमाज के सवाल 1 2 3, सही है? तो ये मैं टेस्ट ले रही हूँ आपका, पहले 2 सवाल दे रही हूँ 3 में से, आपने 3 सवाल याद किए होंगे। पहला सवाल है नमाज, नमाज क्या है, क्या है नमाज की मुसलमानों में क्या अहमियत है, इसकी मुसलमानों मुसलमानों के लिए क्या अहमियत है। क्या अहमियत है, सही है? एक सवाल ये करेंगे और दूसरा सवाल है नमाज के अरकान तरतीब तरतीब से लिखिए, सही है? ये 2 सवाल आपने टेस्ट के करने हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजना है। स्क्रीनशॉट आपको जो है लेक्चर के बाद मिल जाएगा इन दोनों सवालों का, सही है? ये आप कर लें। और आगे जो मैं आपको करवाऊंगी रिवीजन में वो मैं आपको जो है वो दोबारा जो आप मुझे आगे आपको काम करवाना है वो मैं आपको करवाती हूँ। ये टेस्ट आप लोग करके इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे लेके भेजेंगे। कलमात का उर्दू तर्जुमा लिखिए, सही है? दर्ज ज़ेल कलमात का उर्दू तर्जुमा लिखिए। आप किस तरीके से होगा उर्दू तर्जुमा, कैसे लिखेंगे आप? नंबर एक है तकबीर, तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर को, तकबीर का तर्जुमा क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है।
बताइए। बल्कि मैं इसको इस तरह करवाती हूँ, एक मिनट, इसको मैं दूसरी तरीके से करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो। दर्ज ज़ेल कलमात का उर्दू तर्जमा लिखें। पहला क्या है? अल्लाह हू अकबर। इसका तर्जमा क्या है? अल्लाह सबसे सबसे बड़ा है। फिर दूसरा, सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाह, इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह अल्लाह पाक है। तीसरा, अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के लिए हैं। हर चीज़ की तारीफ जब अल्लाह के लिए की जाती है, हर चीज़ बनाने वाले की, तो वो अल्लाह की तारीफ होती है, और अल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह का मतलब क्या है? मैं अल्लाह से मगफरत चाहता हूँ। फिर नंबर 5, माशाल्लाह, माशाल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने चाहा, जो कुछ अल्लाह ने चाहा। फिर नंबर 6, इंशाअल्लाह, इंशा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने चाहा, तो ये 6 कलमात हैं। इन 6 कलमात का आपने तर्जुमा याद करना है, सही है? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अस्तगफुरुल्लाह, मैं अल्लाह से मगफरत चाहता हूँ, माशाअल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने चाहा, नंबर 6, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, ये 6 कलमात और उनका तर्जुमा आपने याद करना है, सही है? इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको, आपने ये याद करना है, कॉपी में भी कर लिएगा, आगे रिवीजन वर्क की हेडिंग डाल के आप इसमें कॉपी में भी कर लिएगा, और कहते हैं इसको याद भी करना है, सही है?
अब मैं आपको डायरी दे रही हूँ। किताब सलाम पेज 7 से कराए गए 6 अरबी कलमात का तर्जुमा याद करना है। तो ये किताब सलाम पेज 7 से कराए गए 6 अरबी कलमात का तर्जुमा याद करना है। सही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें आपकी किताब है पेज नंबर 7। देखें तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से मगफ़रत चाहता हूँ, माशाअल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। ये आपने तर्जुमा जो है इन अल्फाज इन कलमात का आपने याद करना है। ये आपकी डायरी है किताब सलाम पेज 7 से कराए गए 6 अरबी कलमात का तर्जुमा याद करना है। सही है। ये आपने जो है आपका होमवर्क है ये, और अब आपका इस्लामियत का लेक्चर नंबर 7 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।